कांग्रेस नेता सचिन पायलट 34 दिनों तक अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करते रहे। इस बगावत के समय के दौरान सचिन के भारतीय जनता पार्टी से नज़दीकियों को लेकर भी कई तरह की खबरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई। अब इन सबके बीच में सचिन पायलट घर वापसी कर चुके हैं। कांग्रेस ने सचिन को राजनीतिक ओहदा बढ़ाने का आश्वासन दिया है और इन सबके बाद सचिन पायलट राजस्थान में कृषि कानूनों को लेकर लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन ने कहा, सरकार ने एक चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, खुद राजग के घटक दल इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे देश में किसानों के साथ खड़े होकर लड़ने का फैसला किया है। हम इसको आगे भी लेकर जाएंगे, लेकिन मैं मानता हूं केंद्र सरकार ने एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय में किसानों के साथ विश्वासघात किया है। केंद्र सरकार का सबसे पुराना घटक दल है अकाली दल, उन्होंने भी इसका विरोध किया। जब आप अकाली दल के सांसदों और कैबिनेट मंत्री को नहीं समझा पाए तो आप किसानों को क्या समझाएंगे। विधेयकों को जानबूझकर ऐसे समय में लाया गया है जब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। कृषक और किसान संबंधी लोगों को इस विधेयक से हानि हो रही है और ये जानते हुए भी जानबूझकर इसे पारित किया जा रहा है। हमारी पार्टी ये मानती है कृषि में निवेश हो, किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिले, लेकिन आप एपीएमसी और मंडी को समाप्त कर एक नई व्यवस्था चालू करेंगे जबकि चंद उद्योगपति इस पर एक अधिकार कर लेंगे। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। मैं समझता हूं कि अंतिम दम तक कांग्रेस पार्टी इस कानून का विरोध करेगी। किसानों के न्याय के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एसपीएन 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।